हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है रूम फॉर रेंट। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि छत से गिरकर मर गया और अब उसकी वाइफ जॉयस अकेली रह गई। इसके ना ही तो बच्चे हैं और ना ही तो रिश्तेदार और वो अपनी लाइफ में अकेली रह गई है। फिर जॉयस अपने पति का फ्यूनरल करती है और उसके बाद वो जाती है बैंक में कुछ पैसे निकालने के लिए, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने लोन ले रखी थी और 3 महीने से उसकी किस्तें नहीं लौटाई और उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। यानी कि जॉयस को बैंक से पैसे तो मिले नहीं और ऊपर से उसे बैंक की लोन भी चुकानी होगी, लेकिन जॉयस एकदम ही बेसहारा है और उसके पास पैसे कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है। अगले दिन थोड़ा मूड हल्का करने के लिए वो घर से बाहर निकलती है और वो अपने घर के पास वाले स्केटबोर्डिंग पार्क में जाती है। वो थोड़ा खुश होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और वो सब जॉयस के ऊपर गंदे कॉमेंट करते हैं और उनके गंदे कॉमेंट सुनकर जॉयस की परेशानी और भी बढ़ जाती है। जॉयस उनमें से एक लड़के का स्केटबोर्ड उठाकर उसे डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधा जाती है लाइब्रेरी और वहाँ पर उसे एक एडवर्टाइजमेंट बुक दिखाई देती है जिसमें पैसे कमाने के आइडियाज होते हैं, लेकिन जॉयस को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो एड किस बारे में थी, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए पैसे तो कमाने होंगे, दूसरा उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए वो घर आकर उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक रूम रेंट पर देने की सर्विस है और ये सब कुछ जानकर वो एकदम ही खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा घर है और वो ये काम कर सकती है। इसीलिए वो रूम फॉर रेंट सर्विस स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद उसके घर पर 2 लोग आते हैं रहने के लिए और उन दोनों के लिए जॉयस काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो इसके पहले कस्टमर हैं और वो दोनों एक कपल हैं, सियारा और उसका बॉयफ्रेंड एडवर्ड। जॉयस उन दोनों को काफी अच्छे से ट्रीट कर रही थी, लेकिन एडवर्ड काफी है, वो जॉयस से अच्छे से बात नहीं करता। अगले दिन एडवर्ड सैरा को वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है, इसीलिए वो एकदम ही उदास बैठी होती है। तब जॉयस उससे बात करती है और सैरा जॉयस से पूछती है उसके हस्बैंड के बारे में और जॉयस सैरा को बताती है कि उसके हस्बैंड की पिछले महीने डेथ हो गई। तब सैरा सोचती है कि उसका खुद का दुख जॉयस के दुख के सामने कुछ भी नहीं क्योंकि वो इस उम्र में बिना हिम्मत हारे काम कर रही है। इसीलिए सैरा जॉयस को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। वहाँ पर जॉयस सैरा से बताती है कि उसके हस्बैंड छत पर कुछ ठीक करने के लिए चढ़े थे और पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। सैरा भी जॉयस को बताती है कि वो एक राइटर है और वो एक बुक लिख रही है और कुछ सालों पहले सैरा के डैड की भी डेथ हो गई थी और उनकी याद में सैरा की मॉम की भी डेथ हो गई। वो दोनों वापस घर पर पहुँच जाते हैं और जॉयस सैरा को बताती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे कभी बच्चे हुए ही नहीं। यहाँ उन दोनों के बीच माँ बेटी वाला बॉन्ड बन जाता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाता है और सैरा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैरा जाना नहीं चाहती। तब जॉयस उसे समझाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जॉयस फिर से अकेली पड़ गई। अगले दिन जॉयस अपनी कैट के लिए कैट फूड लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका कार्ड काम नहीं करता क्योंकि उसमें पैसे खत्म हो गए। इसीलिए वो अपने पास कुछ जमा किए गए कॉइन से पेमेंट करती है। वो कैट फूड लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़के मिल जाते हैं जिसका स्केटबोर्ड उसने डस्टबिन में फेंका था। वो सभी लड़के उसे फिजिकली नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए जॉयस पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो सभी लड़के डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। लड़कों की ऐसी हरकत की वजह से उसके दिमाग पर और भी गहरा असर हो जाता है क्योंकि लोगों को ये बात पता है कि उसके साथ हम कोई भी नहीं है और उसके साथ हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद जॉयस को सैरा की चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने एडवर्ड को छोड़ दिया है और मैं अब शांति से अपनी बुक लिख रही हूँ। उसकी चिट्ठी पढ़कर जॉयस काफी खुश होती है क्योंकि कम से कम किसी ने तो उसे याद किया। उस चिट्ठी के रिप्लाई में जॉयस भी सैरा को एक चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में जॉयस ने लिखा था कि अब वो अपने घर को एक होटल बना रही है और वो उसमें ज्यादा कमरे ऐड कर रही है। फिर वो उस चिट्ठी को भेज देती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक भी कस्टमर
घर नहीं मिल रहा, इसीलिए वो ऐसे ही पब्लिक प्लेस पर घूमने लगी। फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी में जाती है तब उसे एक आदमी मिलता है जो कि अपने लिए रूम रेंट पर ढूंढ रहा था। जॉयस किसी तरह उसे अपने घर ले आती है और रूम दिखाती है तो उसे भी रूम पसंद आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर रहने आ जाता है। उस आदमी का नाम बॉब है और उसके यहाँ पर रहने आने से जॉयस की हरकतें बदल गई। सबसे पहले वो अपना लुक चेंज करती है और वो किसी लड़की के जैसा लगने का ट्राई करती है। अगले दिन जब वो बॉब को कॉफी दे रही थी तब वो बड़ी ही अजीब हरकत करती है। वो एक चम्मच चाट कर बॉब की कॉफी मिक्स करती है। फिर वो जाती है बॉब के कमरे में सफाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो अजीब हरकतें कर रही थी। वो बॉब के परफ्यूम को अपनी बॉडी पर लगाती है, फिर उसे दिखाई देती है बॉब की ब्रश और जॉयस उस ब्रश से अपने दांत साफ करती है। इतने में ही वहाँ पर बॉब आ जाता है, लेकिन वो तुरंत ही बेडशीट बदलने की एक्टिंग करती है। जॉयस बॉब से पूछती है कि क्या तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तब बॉब उससे कहता है कि मुझे सिर्फ फुटबॉल पसंद है। इसीलिए जॉयस उसके रूम में एक बड़ा सा टीवी लगा देती है जिसमें पूरा दिन सिर्फ फुटबॉल ही आएगा। वो टीवी लगाने वाला आदमी जॉयस से पूछता है कि ये तुम किसके लिए लगा रही हो, तब जॉयस उससे कहती है कि मैं ये अपने बेटे के लिए लगवा रही हूँ, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया है और बहुत जल्दी उसके घर में एक ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। यहाँ पर हम उसके इरादों का पता लगा सकते हैं। शाम को जब बॉब वापस आकर फुटबॉल देख रहा था तब जॉयस भी उसके पास आकर बैठ जाती है। जॉयस को फुटबॉल के बारे में जरा सा भी पता नहीं था, लेकिन वो बॉब को ऐसा दिखाती है मानो कि उसे सब कुछ पता हो। थोड़ी देर बाद वही स्केटबोर्ड वाले लड़के उसके घर पर अंडे फेंकने लगते हैं, इसीलिए बॉब जाकर उन्हें सबक सिखाता है। और अब तो बॉब के लिए जॉयस की फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। जॉयस के ऊपर बॉब का इतना जुनून सवार हो जाता है कि वो अपने पति की राख को डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद वो शेरा को चिट्ठी लिखती है और उसमें वो बताती है कि वो और बॉब रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन असल में बॉब उसे देखता तक नहीं। लेकिन जॉयस अपनी मनगढ़ंत कहानियां सारा को बताती है। थोड़े दिनों बाद जॉयस की ड्रेसिंग और भी ज्यादा बदल जाती है। फिर जॉयस के पास सारा का कॉल आता है और वो बताती है कि वो उससे मिलने वहां पर आ रही है और जॉयस भी उसे 2-3 दिनों तक अपने साथ रहने के लिए मना लेती है। फिर सारा उसके घर पर आती है तब वो देखती है कि जॉयस ने अपने पति का सारा सामान फेंक दिया और उसके रूम को पूरी तरह चेंज कर दिया। सारा के पूछने पर जॉयस उससे कहती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारता था, इसीलिए जॉयस उसे भुलाना चाहती है, लेकिन असल में तो हम उसके इरादे जानते हैं। फिर सारा और बॉब एक दूसरे से मिलते हैं और सारा को बॉब पसंद आ गया, लेकिन सारा को तो यही लग रहा था कि बॉब और जॉयस का अफेयर चल रहा है। फिर रात हो जाती है तब सारा को कुछ आवाज आती है और वो चेक करने जाती है तब वहाँ पर होता है बॉब। वो दोनों एक दूसरे के लिए पहले से अट्रैक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और जॉयस भी ये सब कुछ देख लेती है और सारा की इस हरकत से जॉयस खुश नहीं है। अगले दिन वो सारा के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करने लगती है और उसे काफी भला बुरा भी सुनाती है। इस सब के बाद सारा जॉयस की पड़ोसन से मिलने जाती है और जॉयस की पड़ोसन सारा को बताती है कि जॉयस एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसके हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए जॉयस को अबॉर्शन करवाना पड़ा। जॉयस भी अपने घर की खिड़की से उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। फिर वो सारा को आवाज लगाकर बुला लेती है। सारा जब घर वापस आती है तब जॉयस उससे पूछती है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सारा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सारा अपना सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब वो यहाँ से जा रही है। तब जॉयस भी सारा से कहती है कि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। सारा के जाते ही जॉयस अपने पड़ोसन के घर पर सालों बाद जाती है और जॉयस की तरह उसकी पड़ोसन भी अकेली ही रहती है। वो दोनों मिलकर काफी सारी बातें करते हैं। फिर उसकी पड़ोसन सो जाती है और उसके सोते ही जॉयस उसे मार डालती है और यहाँ से जॉयस की हरकतें काफी वियर्ड हो गई क्योंकि उसने बिना किसी वजह से अपनी पड़ोसन को मार डाला। शाम को जब बॉब वापस घर पर आता है तब जॉयस अपनी पड़ोसन के मरने का उसे काफी दुख है ऐसा जताती है। यहाँ पर बॉब उसे संभालता है। फिर वो सारा के बारे में जॉयस से पूछता है तब जॉयस उससे झूठ कहती है कि वो अपने हस्बैंड के पास वापस चली गई। अगले दिन भी जॉयस उसके रूम में काफी अजीब हरकतें कर रही थी कि तभी पीछे से बॉब आ जाता है और उसे भी जॉयस की ऐसी हरकतों पर डाउट हो रहा है, इसीलिए बॉब जॉयस को अपने रूम में आने से मना करता है। अब यहाँ पर जॉयस की
उसकी हरकतें काफी चेंज हो गई, क्योंकि वो अगले दिन हॉस्पिटल जाती है और वो डॉक्टर को ऐसा दिखा रही थी कि जैसे उसे अपने हस्बैंड के जाने का काफी दुख है। वो डॉक्टर से कहती है कि मैं अपने पति की याद में कई दिनों से सोई नहीं हूँ, इसीलिए डॉक्टर उसे नींद की दवाइयाँ लिख कर दे देता है। लेकिन हम जानते हैं उसके इरादे क्या है। दरअसल उसने ये नींद की गोलियाँ बॉब के लिए ली है। घर आकर वो बॉब से अपनी ऐसी हरकतों के लिए माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा एक लड़का था जिसका नाम था टॉमी और उसकी डेथ हो गई है, इसीलिए मुझे तुम में अपना बेटा दिखाई देता है और वो इसीलिए ऐसी हरकतें करती है। फिर वो रात को बॉब को डिनर पर इनवाइट करती है और बॉब भी ये कहानी सुनकर डिनर के लिए हाँ कर देता है। डिनर के बाद जॉयस बॉब को शराब पिलाती है और उसकी शराब में वो नींद की दवाइयाँ मिला देती है और उस शराब को पीते ही बॉब कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। फिर वो बॉब के साथ वही हरकतें करती है जो वो करना चाहती थी। अगली सुबह जब बॉब उठता है तब वो उससे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी इसीलिए तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे, लेकिन बॉब को कुछ भी याद नहीं है। फिर बॉब के लिए एक लेटर आता है और उस लेटर को कलेक्ट करने के लिए जॉयस जाती है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय सिर्फ बॉब को ही वो लेटर देगा। तब जॉयस डिलीवरी बॉय से कहती है कि बॉब घर पर नहीं है, लेकिन तभी पीछे से बॉब आ जाता है और वो लेटर को कलेक्ट कर लेता है। फिर वो लेटर अकेले में जाकर पढ़ता है और उस लेटर को भेजा है सहरा ने। उस लेटर में सहरा ने जॉयस की ऐसी हरकतों के बारे में लिखा था और उस लेटर को पढ़ने के बाद बॉब घर छोड़कर जा रहा था, इसीलिए जॉयस फिर से झूठ बोलकर बॉब को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब बॉब जॉयस के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इसीलिए जॉयस बॉब के पीछे से हमला करती है और उसे मार डालती है। फिर वो बॉब की लाश को बैकयार्ड में दबा देती है और उसकी बाइक को भी बेच देती है। फिर वो सहरा को एक लेटर लिखती है और उससे माफी मांगती है। वो लेटर में ये भी लिखती है कि कुछ दिनों के लिए वो ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रही है, इसलिए उतने दिन सहरा उसके घर पर रह सकती है। उसने लेटर में ये भी लिखा था कि बॉब भी यही है, इसीलिए सहरा वहाँ पर आ जाती है। लेकिन जब सहरा जॉयस से बॉब के बारे में पूछती है तब जॉयस उससे कहती है कि बॉब को किसी का लेटर मिला और उसको पढ़ने के बाद वो यहाँ से चला गया। फिर जॉयस ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाती है और सहरा उसके घर में अकेली रह जाती है। इसीलिए सहरा बॉब के रूम में जाती है, लेकिन वो रूम लॉक था। फिर हमें बॉब के रूम का सीन दिखाया जाता है और उस रूम में लिखा हुआ था कि ग्रैंडमा लव्स यू। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। मूवी के स्टार्ट में हमें जिस कैरेक्टर से हमदर्दी हो जाती है और मूवी के एंड होते होते वही कैरेक्टर किलर बन जाता है। मूवी के एंड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। असल में सहरा बॉब के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसने बॉब को मार डाला और सहरा को अपने घर पर बुला लिया और खुद घूमने चली गई। यानी कि जब भी सहरा बच्चे को जन्म देगी तब जॉयस सहरा को भी मार डालेगी और खुद उसकी मॉम बन जाएगी और इस तरह वो अपना अकेलापन दूर करेगी। कुल मिलाकर मूवी हमें ये बताना चाहती है कि अकेलापन इंसान को खतरनाक बना सकता है। खैर, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।